हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज है तीज और मैं भी सुबह सुबह यहाँ पे दत्तवन से ना मुंह धो रही हूँ, आप देख सकते। तो आज के दिन ब्रश से हम लोग मुंह नहीं धोते हैं और ये दतून से ही मुंह धोते हैं। तो यहाँ पे बस मैं भी अपना मुंह धो रही हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। इससे पहले मैं रिशांग को ना दूध दे दूँगी पीने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगा हुआ था। तो उसको मॉर्निंग में मैं जस्ट थोड़ा सा स्नैक्स बना के दी थी खाने के लिए, और अभी मैं उसको जो है दूध दे दूँगी गर्म करके पीने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो हमारे यहाँ जो तीज व्रत होता है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो मुझे कमेंट भी आया था कि हाँ दीदी, हमारे यहाँ भी निर्जला ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के यहाँ निर्जला ही होता है तीज का व्रत। और हम सुहागनों को तीज के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कथा में भी लिखा होता है, मेंशन किया हुआ है। कथा भी जो हम लोग पूजा पाठ होता है ना, जिस टाइम पे कथा पढ़ते हैं, तो मतलब पंडित जी जो कथा बोलते हैं, तो उसमें भी ना ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि मतलब हम शादीशुदा औरतों को, जो सुहागिने हैं, उनको कभी भी तीज के दिन ना नमक नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने किया है आज हेयर वॉश, और उसके बाद अभी मैं नहा के आई हूँ, और नहा के आने के बाद अभी मैं घर की पूजा कर लूँगी सिंपल तरीके से। उसके बाद मैं रेडी होंगी जब पंडित जी आएंगे ना तब। तो आज के दिन पता है क्या होता है, जब मेरे घर में कोई पूजा पाठ होता है या मुझे कहीं जाना होता है, तो मेरे हस्बैंड का भी ना काम है ना ऑफिस का बहुत ज़्यादा वर्क ओवरलोड जो कहते हैं ना, ओवरलोड वर्क उनको हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी इस बात पे आता है कि मतलब घर के ही जिस दिन पूजा पाठ या कोई काम रहे या कहीं जाना रहे, उसी दिन आपका काम इतना क्यों होता है। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफिस है, तो ऑफिस में तो ऑफिस का काम करना ही है, ज़रूरी है ऑफिस का काम करना। और बस इस वजह से थोड़ा सा सुबह से मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि वो सुबह से घर पर भी नहीं थे और पूजा पाठ में भी बहुत लेट से आए थे। ऐसा नहीं था कि मुझे बस सिंपल सा नहाना था, तैयार होना था और पूजा कर लेना था अकेले अकेले, जी नहीं। मेरा और भी ज़्यादा लेट हो गया, मतलब मैं शाम के टाइम पे तीज पूजी थी, जब पंडित जी को भी हमने लेट से ही कहा था आने के लिए, क्योंकि हस्बैंड पहले ही बोल दिए थे राहुल जी कि मेरा बहुत ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि उनके ऑफिस में बहुत सारा काम था, तो इसलिए बोले कि मेरा बहुत लेट होगा तो मैं शाम तक ही आ पाऊँगा। तो मैंने कहा कि जब आप शाम को ही आएंगे तो शाम को ही हम तीज पूजेंगे। और यहाँ पे मैं ना, क्योंकि देखिए मैं अपने हस्बैंड के बिना ना ये सब काम करती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले सब कुछ करना। तो यहाँ पे पूजा पाठ करके ना मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी, थोड़ा सा रेस्ट की थी, रिशांग को सुला दी थी खिला पिला के। और यहाँ पे मैं ना ये पायल पहन लूँगी, ये नया पायल है, ये ना मेरी मम्मी, ऐसे मैं पौजेब पहनती अभी, लेकिन ना ये मम्मी ना मैरिज एनिवर्सरी पे पायल और ये बिछुआ ना मम्मी गिफ्ट की थी, तो मैं सोची कि चलो यही पहन लेते हैं। आप लोग के साथ में दिखाई भी थी कि मैं मायके में थी मैरिज एनिवर्सरी के टाइम पे, तो मेरी मम्मी ये पायल मुझे गिफ्ट की थी। पायल का डिज़ाइन बहुत सुंदर है, किस दिन मैं क्लोज करके आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा सुंदर है पायल का डिज़ाइन। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता, क्योंकि हमारे में कोई भी पूजा पाठ में ना हम आलता लगाते ही लगाते हैं, अच्छा होता है आलता लगाना। वैसे भी मुझे आलता ना बहुत ज़्यादा पसंद है, आलता लगाने से लगे नई नवेली दुल्हन की तरह आप एकदम से रेडी हो जाए, तो वैसे ही मैं भी आज नई नवेली दुल्हन की तरह जो है वो रेडी हो चुकी हूँ। ये नेकलेस जो है अमेज़ॉन से मुझे रिसीव हुआ था, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दी, बहुत अच्छा नेकलेस है। एक तो है देखने में बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट वेट था, बहुत सुंदर था। और ये साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग बताइए कमेंट करके। और मतलब बस पूजा पाठ जो है, पंडित जी आ गए थे, हस्बैंड भी आ गए थे, तो अच्छा लगा तसल्ली से कि चलो, क्योंकि बिना हस्बैंड का ना मुझे ये सब काम ना करना अच्छा नहीं लगता है। जब तक राहुल जी नहीं आते मुझे पूजा पाठ करने का, अभी मैंने सोचा कि अच्छा वो आएंगे तभी उनके साथ ही मैं बैठ के तीज पूजूंगी। तो बस पंडित जी का था होता कह दिए हैं पूजा, आप देख सकते हैं बालकनी से कि पूरा शाम हो चुका है, पर कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हस्बैंड आ चुके हैं और पूजा पाठ शुरू हो चुका है। तो अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और तीज जो व्रत होता है ना, निर्जला उपवास, बहुत ही ज़्यादा
लगता है। और मैं यहाँ पर ना अभी जा रही हूँ, जैसे कि जो भी ज्वेलरी मैंने पहना है वो सब चेंज करूँगी, क्योंकि पूजा पाठ हो गया है तो अब कोई मतलब बनता नहीं है कि अब साड़ी पहन के, इतना हेवी साड़ी पहन के रखो। वैसे मैं आपको बताती हूँ, साड़ी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत ही अच्छा लाइट वेट साड़ी है और इतना सिंपल सोवर साड़ी है ना, बहुत बहुत मतलब बहुत। जब मैं तीज का साड़ी लेती हूँ ना, साल में एक दिन है जो मैं अपने हस्बैंड से ना मतलब एकदम से बोलती नहीं मुझे साड़ी चाहिए सही है, तो बाकी दिन तो आपको पता ही है मैं स्पॉन्सरशिप का ही कपड़े पहनती हूँ। लेकिन तीज ही एक ऐसा व्रत है जो मैं अपने हस्बैंड से लड़ के झगड़ के, नहीं मुझे तो भाई अच्छी अच्छा से अच्छा साड़ी चाहिए, बिल्कुल यूनिक साड़ी चाहिए, तो मैं लेवाती हूँ उनसे और एकदम से खर्चे करवाती हूँ। बस तीज के दिन ही करवाती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। हाँ, एक बर्थडे होता है मेरा तो वो मुझे कोई गिफ्ट हो गया, गिफ्ट तो बहुत कम ही देते हैं, कपड़े उपड़े ही दे देते, बोलते यही गिफ्ट हो गया, थोड़ा सा मेरे मनपसंद रेस्टोरेंट चले जाते हैं, मतलब मेरे पसंद का काम कर देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपना ज्वेलरी जो है सही तरीके से रख लूँ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहने के लिए तो आर्टिफिशियल होता है बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में लेंगे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी, तो बहुत अच्छा अच्छा आपको प्राइस लग जाएगा। तो मैं फिर इसको रख देती हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे फंक्शन मेरे घर में आएगा, तो अभी मैं उस सब के बारे में ना आप लोग के साथ बताई भी नहीं हूँ कि मेरे घर में क्या फ्यूचर में आने वाला है फ़िलहाल में फंक्शंस, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी किसी दिन। तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे ज्वेलरी का ज़रूरत होगा, तो इस वजह से मैं इसको बहुत संभाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी के साथ तो इसका मैच हो ही गया, ये साड़ी के साथ ये ज्वेलरी अब मैचिंग रखा जाएगा, इस साड़ी के साथ ही रख दूँगी। तो यहाँ से बस ये सब जो है ना ओपन कर ले रही हूँ, और अभी तक मैं मतलब कि मेरा तीज का पूजा ना बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ भगवान की कृपा से, सही में माँ पार्वती की आशीर्वाद से कोई भी तकलीफ़ नहीं हुआ, मुझे प्यास भी नहीं लगा, मुझे अखरा भी नहीं कि हम मुझे पानी पीने का मन कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत तसल्ली से रही, बहुत ज़्यादा तसल्ली से। अच्छा, मैं यहाँ पर इस डब्बे में जा रही थी ना बैंगल्स रखने के लिए, क्योंकि मैं इधर उधर अगर लाठी रखूँगी ना तो बाबू ने तोड़ देता, तो मैं उसमें रखने जा रही थी, शायद उसमें बिस्किट रखा हुआ था तो इस वजह से ना अजीब सा स्मेल कर रहा था, तो फिर मैं उसमें नहीं रख के जो मेरा बैंगल्स का डब्बा था ना उसी को मैं ढूंढ के लेके आई हूँ, लाठी का डिब्बा, और उसमें ही लाठी जो है मेरा वो रख रही हूँ। पतला पतला सा लाठी मैंने लिया था, पहले तो मैं चूड़ा ली थी पहनने के लिए, फिर मैं चूड़ा पहनी नहीं, फिर मैंने गई थी उस दिन मार्केट तो मुझे बहुत सुंदर पतला पतला सा लाठी मिल गया, तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ, मेरे साड़ी के साथ मैच भी कर रहा था, क्योंकि मेरे साड़ी भले ही येलो कलर का है बट इस पर फ्लावर जो है ना वो पूरा मल्टी कलर का फ्लावर है, तो अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी, और बहुत अच्छा लगता है ना तीज में, आप लोग भी किए होंगे ना तीज, जो जो लोग किए होंगे ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बात बताऊँ, जो लोग कमेंट करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में मैं बताती हूँ, मुझे उन लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ ना तो दिल ना खुश हो जाता है। और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं ना उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ यार कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और पढ़ने में आपका रिप्लाई। हेलो एवरीवन, तो तीज का जो पूजा होता है वो हो चुका है, और अभी मैं जा रही हूँ साड़ी को चेंज करके, जस्ट टी शर्ट और प्लाजो जो है ना वो पहन लूँगी, जो नहा के आई थी तो पहनी थी वही पहन लूँगी अभी, और कल सुबह है गणेश पूजा तो उसके लिए अभी ही तैयारी करना होगा, जैसे कि डेकोरेशन हो गया, जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन वो सब मुझे करना है, तो मुझे क्या करना है मैं तो उतना ज़्यादा नहीं करूँगी, हस्बैंड ही करेंगे अभी और भैया मिल के सब लोग कर लेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा पास रखती हूँ, और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो तीज कौन कौन के थे बताइएगा, ये निर्जला उपवास बहुत इम्पॉर्टेंट था हर एक सुहागन के लिए, ये व्रत करना चाहिए, हर एक सुहागन को करना चाहिए। कथा में कहते हैं कि आज के दिन किसी भी सुहागन को ना खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए आज के दिन में। तो आप लोग ने कैसे कैसे व्रत किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे बिहार साथ तो ऐसे ही होता है जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तब तक के लिए बाय बाय, और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट अभी से ही कर दूँगी, जैसे गणेश पूजा जब करूँगी उस समय से, मतलब कि जब प्रिपरेशन करूँगी डेकोरेशन करूँगी उस टाइम पर मैं कोशिश करूँ करने का, और आई होप कि अभी तक मैं सही हूँ बिना पानी के, और उम्मीद यही करती हूँ भगवान जी से ही कृपा करती हूँ कि मैं आराम मुझे रहे, मतलब रात बीत जाए आराम से, ऐसी बीत जाए एकदम अच्छा फीलिंग के साथ। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।